बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? मैं तो सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सचेंजर के पार्ट्स के मुताबिक है, ठीक है जी। जब आप लोग इंटरव्यू पे जाएंगे वो आपसे कहेगा यार इसके एक्सचेंजर के पार्ट्स के नाम बताओ। आपको नाम आने चाहिए, कभी कभार ऐसे होता है उसके पास पिक्चरें होती हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जब हमारी वीडियो को तसल्ली से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, वहाँ पर पिक्चरों के साथ हम आपको बता देंगे तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएंगे। तो सबसे पहली है एक्सचेंजर पार्ट्स, बैफल प्लेट। बैफल प्लेट क्यों लगाई जाती है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है, एक तो ये क्या करती है, ट्यूब का जो साइज़ होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको मेंटेन रखती है। दूसरा ये है कि इसका फासले को डिस्टेंस रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बैफल प्लेट आ गई हमारे पास, उसके बाद आ गई ट्यूब। आई टैप जो एक्सचेंजर होगा उसमें आई टैप ट्यूब होगी, जो यू टैप होगा उसमें यू टैप होगा। अब हमारे पास आ जाता है मुकम्मल ट्यूब बंडल, जो मुकम्मल होगा उसको हम ट्यूब बंडल कहते हैं। अब हमारे पास आ गया ट्यूब शीट। ट्यूब शीट कहाँ पे होती है? जो एक्सचेंजर का टॉप वाला हिस्सा होता है एक्सचेंजर लाइट के बाद, उसको ट्यूब शीट बोलते हैं। ये वाला है ट्यूब शीट। उसके बाद आया हमारे पास शेल। ये जो मुकम्मल शेल होता है, शेल के अंदर जो है वो ट्यूब बंडल होता है। मुकम्मल जो बाहर वाला हिस्सा होगा उसको हम शेल। अब हमारे पास आ जाता है स्पेसर। स्पेसर हम क्यों डालते हैं? सबसे पहले हम एक बैफल प्लेट डालते हैं, फिर एक स्पेसर डालते हैं। इसमें एक चीज़ रह गया टाइलॉग, वो मैं अभी लिख देता हूँ। अब स्पेसर आ गया, उसके बाद हमारे पास चैनल लाइट आ गया, उसके बाद हमारे पास गैस के, ये भी इसका पार्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लोटिंग हेड, ये भी इसका पार्ट है। उसके बाद है बेस, ये एक पिंडा है, बेस भी इस चीज़ को बैलते हैं। ये यानी कि मैं जो खड़ा हूँ, मेरे जो फुट हैं पाँव, वो बेस है। टाइलॉग, इसमें टाइलॉग भी आता है, टाइलॉग का भी बहुत ही मेन फंक्शन है। तो बहुत से पार्ट्स होते हैं, मेन जो है वो ये चीज़ें पार्ट्स हैं, ये आप लोगों को आने चाहिए। टाइलॉग के भी यूज़ करते हैं, इसका फंक्शन है सबसे पहले हमारे पास किसी एक्सचेंजर में चार टाइलॉग होते हैं, किसी में छः होते हैं, वो बंडल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि बड़ा बंडल है तो ज़्यादा टाइलॉग होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टाइलॉग है? जब हम चैनल लाइट खोलेंगे उसके बाहर की तरफ नट लगा होता है, जो टाइलॉग होता है वहाँ से हमें पता चलता है। टाइलॉग डालेंगे, फिर बैफल प्लेट, फिर स्पेसर, फिर बैफल प्लेट, फिर स्पेसर, फिर बैफल प्लेट, इस तरह जो है वो अच्छे से बंडल जो है वो क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या बनाते हैं। जब नया एक्सचेंजर बनाते हैं तब ये चीज़ों का वन बाई वन पता चलता है। मगर ये आप पार्ट्स के नाम याद कर लें, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।